hello and welcome to the quest on raj sabha tv. i'm Rakhi bakshi. as you know, each week we bring you new and leading personalities and through them we hear their stories, their vision and their views, but we also talk about some of the issues that surround us. and now that we know that bihar elections are on and everybody is really looking at it with very keen interest, we have a very interesting leader and a special guest in our studio and we are talking to him. he's somebody who is the general secretary of the congress party, also the senior spokesperson for the party. he's mr. shakil ahmad. welcome to the show, sir. थैंक यू बहुत स्वागत है आपका एक ऐसे समय में जैसा मैंने कहा कि बिहार चुनाव पर इतनी ज्यादा जो बातचीत हो रही है आ, लेकिन जब आपने ये आ, इरादा किया कि आप सब ऐसे लोग साथ आएंगे ऐसी पार्टियां साथ आएंगे जो किसी को लगा नहीं था कि साथ आ सकती है तो पहले तो आप सरप्राइज के साथ एक एंट्री करते हैं और अब उसको आप आगे बढ़ाने की जुगत कर रहे हैं क्या नहीं लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज सामने है क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया भी अपने तमाम जिसको होता है तीर्थनुष लेकर तैयार बैठी नो आई डोंट एग्री विथ योर परसेप्शन दैट दिस इज़ नॉट एन अनचुरल अलायंस देखिए वो नितीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर थे जब वो मोदी जी से हटे तो लालू जी ने भी उनका सपोर्ट किया और हम लोगों ने भी उनका सपोर्ट किया और ये लगभग डेढ़ साल पहले हुआ जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया नीतीश कुमार जी का अलायंस था भारतीय जनता पार्टी से जब नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट किया भाजपा ने तो उन्होंने अपना ये तोड़ा अलायंस तोड़ा और उस उस अलायंस को तोड़ने के बाद हम लोगों ने और लालू यादव जी ने दोनों ने उनकी सरकार को सपोर्ट किया आज भी उनकी सरकार जो चल रही है बिहार में वो हम दोनों के सपोर्ट पर है तो जब हम उस गवर्नमेंट में आ गए मोदी जी के इसके खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को सपोर्ट किया तो स्वाभाविक उसका लॉजिकल ये था कि अब जो चुनाव आ रहा है उसमें हम साथ लड़ थोड़ा हैं यहीं से निकलेगा एक जो ये गठबंधन ये खिलाफ ज्यादा और साथ आने की कम शायद है मतलब इसमें सारी बात यह है कि उसको रोकना है हमें कैसे आगे बढ़ना है शायद ये कम नहीं देखिए एक इस मुल्क को क्या खतरा है देखिए इस मुल्क को हम 14 अगस्त उन्नीस को भूल जाते हैं 15 अगस्त उन्नीस को याद रखते हैं ये अच्छी बात है देश आज़ाद हुआ था हमारा अपनी उपलब्धियों को याद रखना चाहिए लेकिन उसके एक दिन पहले का वक्त 14 अगस्त उन्नीस को हम भूल जाते हैं जब सांप्रदायिकता के नाम पे हमारा देश टूटा था क्या था उस वक्त हिंदू महासभा आरएसएस मुस्लिम लीग जिना साहब आज क्या हो गया है मोदी तो तोगड़िया साहब ओवैसी साहब ये पसंद किए जा रहे हैं तो खतरा पैदा होता है कि देश कहीं 14 अगस्त उन्नीस के इसमें इसी तरह के फोर्सेस ने जिम्मेदारी थी और जिम्मेदार थे मुल्क के बंटवारे का और फिर हम भी भी उसी को मैं मैं वही कह रहा हूँ नहीं नहीं मैं वही कह रहा हूँ अख्तियार सबको है डेमोक्रेसी में ओवैसी साहब वहाँ लड़ते थे वहाँ से एम हैं हमारे साथ भी अलायंस में थे लेकिन जब उनके जो जबान है या उनकी स्पीचेस कुछ ऐसी होने लगी जिससे पोलराइजेशन की बात होने लगी तो हम लोगों का उनसे समझौता ख़त्म हुआ और जाहिर है कि समाज को जो लड़ाने की बात करें समाज को जो जोड़ने की बात कहता है हम उसी को लेकिन क्या से कहीं ये डर है कि कहीं ओवैसी साहब का ये पूरा जो अगर आप देखें कि प्रयास कि वो जाएं बिहार में इलेक्शन लड़ें ये जो पूरी कोशिश पूरी मंशा है क्या इससे ये गठबंधन को थोड़ा डर है कहीं क्योंकि उसका अपना एक डेडिकेटेड इन्फ्लुएंस है? है ना जब आप चुनाव लड़ने आते हैं तो कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा आप किसी दूसरे को रोक नहीं सकते हैं लेकिन ये सच्चाई है और ये बात ओवैसी साहेब पढ़े लिखे लोग हैं भारत लॉ हैं वालिद उनके एमपी थे वो भी मेरे साथ इतफाक़ से उनके वालिद भी नाइन्टी नाइन्टी एट में मेरे साथ एमपी थे और ओवैसी साहेब भी मेरे साथ लोकसभा में थे दो से दो तक पढ़े लिखे लोग हैं काबिल हैं समझदार हैं सियासी लोग हैं वो इस बात को जानते हैं वो क्यों लड़ रहे हैं मैं ये नहीं इल्ज़ाम लगाऊंगा कि वो नरेंद्र मोदी जी से मिल गए हैं लेकिन ये बात वो भी समझते होंगे कोई नीयत तो ऊपर वाला जानता है लेकिन ये बात सही है कि जो वो कोई सीट नहीं जीतेंगे अभी मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ आज इस चैनल पर कह रहा हूँ लेकिन दो हज़ार चार हज़ार एक हज़ार वोट जो भी वो लेंगे वो हमारे अलायंस का वोट लेंगे जो वो नहीं रहते तो मुझको मिलता हमको मिलता मेरे अलायंस को मिलता वो लेंगे और अगर कहीं इलेक्शन जैसा लोग दिखला रहे हैं मीडिया बता रहा है कि क्लोज़ कंटेस्ट है उस क्लोज़ कंटेस्ट में उनका वो वोट लेना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके अलायंस को फायदा करेगा। लेकिन हर दिन ये समझ उनको होनी चाहिए आ, शकील साहब जिस तरह से हर बार जैसे कहते हैं कि हम बात ही कर रहे हैं कि अगर हम इसको कहीं ना कहीं कहें कि थिएटर है इस वक्त अगर बिहार के इलेक्शन को तो कहें कि हर दिन पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे से बहुत कुछ दिखाई दे रहा है जैसे कि ओवैसी साहब आए अगर आप देखें कि उधर जीतन राम मांझी जो पहले नीतीश जी के साथ थे और वो अलग हो गए अपनी पार्टी बनाई ये रस्ता जो उधर एनडीए में चल रही है वो अलग बात है पर आप कैसे देखेंगे कि अब ये जो गठबंधन जो विकास की राजनीति को लेकर आगे चल सकता था कि नीतीश जी ने क्या काम किया और लालू जी उनके साथ कैसे आए अब बात ये एक लड़ाई इस तरह की हो गई है कि बस रोकने के लिए काम करते रहना है तो आखिर जनता जो मुझे लगता है कि वो किस मोड़ पे आएगी क्योंकि उसे विकास चाहिए देखिए हम लोगों को जिस जनता को विकास चाहिए वो यकीनी नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पसंद करेगी इसलिए कि नीतीश कुमार जी का चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अच्छा परफॉर्मेंस है और ये बात हम नहीं कहते हैं बीजेपी जो लगभग आठ साल उनके साथ रही है वही नीतीश कुमार जी को सूबे मुल्क का दूसरा सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कहती थी एक नंबर में वो नरेंद्र मोदी जी को कहती थी और दो नंबर में वो नीतीश कुमार लेकिन जी मैं पर रोकूंगी कि वो जो था वो जो था नीचे आया है क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री के पद की बात आती थी कई चेहरों में से शायद उनका भी नाम आ जाता था लेकिन वहां से ये ग्राफ शायद काफी डाउन हुआ नहीं मैं वही कह रहा था आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी कि नरेंद्र नीतीश जी का ग्राफ एज ए चीफ़ मिनिस्टर अभी वो चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर हैं और उनका ग्राफ अच्छा है आज के भी जो सर्वेज आए हैं डिफरेंट चैनल्स में उसमें मुख्यमंत्री की हैसियत से और प्रधानमंत्री की हैसियत से में उनका या मोदी जी का जो नन परफॉर्मेंस पिछले डेढ़ सालों में हुआ है मोदी जी से जो इस मुल्क के लोगों को नाउमीदी हुई है जाहिर है नाउमीदी कहाँ होती है जहाँ उम्मीद ज़्यादा हो जाती है मोदी जी ने ऐसे ऐसे चुनाव में वादे किए जिनको निभाना आसान नहीं था और बहुत से मामलों में वो कर भी सकते हैं जैसे सीज़ फायर वायलेशन अभी मैं आ रहा हूँ अभी तमाम खबर है मीडिया में कि आज भी सीज़ फायर वायलेशन हुआ है हमारे लोग सिविलियंस मारे जा रहे हैं हमारे ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं कमीशनड ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं चालीस हज़ार लोगों ने अपना घर बॉर्डर पर छोड़ के माइग्रेट किया है पाकिस्तान के अनप्रभोड फायरिंग फायरिंग की वजह से लेकिन प्रधानमंत्री जो उसके पहले छप्पन इंच की छाती का वादा किया करते थे दावा किया करते थे और आज खामोश हैं एक लफ्ज नहीं बोलते हैं आज पाकिस्तान के जो एन एस ए है सरताज अजीज उनका बयान आया है कि जब तक कश्मीर पर बात नहीं होगी हम कोई बात नहीं करेंगे कड़ा रुख भी अपनाया है अगर आप देखें नहीं इस यही ते... यही यही हम लोगों का ये है कि हम लोगों का एक स्टैंड था बहुत साफ और जिसमें उनकी भी शमूलियत थी उनकी भी शाफी ये थी कि जब तक पाकिस्तान ये सिग्नल नहीं देता है कि हमने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ टेरिस टेररिज्म की एक्टिविटी के ख़िलाफ़ बंद किया है या हम एक्शन ले रहे हैं जो नॉन स्टेट एक्टर हैं सो कॉल्ड मगर मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ है, है, तो मुझे कहना ही पड़ेगा की लेकिन उनकी तरफ से बयान और तमाम तरह के स्टेप है वो भी इस तरह के आते रहते हैं जहाँ पे मजबूत रुख भी दिखाना है लेकिन साथ साथ कहीं आगे बढ़ना ये बात अगर आप देखे वन रैंक वन पेंशन को भी हालांकि मुझे लगता है देर हुई लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उसको भी आगे आगे बढ़ा नहीं आपने बहुत अच्छा यह किया है वन रैंक वन पेंशन का अभी चंडीगढ़ में प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा अभी गए थे तीन दिन पहले कि यह कांग्रेस ने शुरू किया था यह कांग्रेस की तरफ से शुरू हुआ था राहुल गांधी जी ने बहुत उसमें पहल की थी मैं चंडीगढ़ में मैं, 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 बताता बताता मेरी बात सुन लीजिए राहुल गांधी जी ने उसमें पहल की थी चंडीगढ़ में एक जो डिफेंस के पर्सनल उनकी बड़ी मीटिंग हुई थी वही ऐलान हुआ था फिर उसके दूसरे दिन ही स मिनिस्टर इस मुल्क के एंटोनी साहब और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर चिदाम्बरम साहब ने दोनों बने बैठ कर तय किया था और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आप चेक कर लेंगे फैक्ट कि आखिरी जो हमारा यूपीए का बजट हो रहा है उसमें पांच करोड़ रुपया हम लोगों ने वन रैंक वन पेंशन के लिए ईयर मार्क स्थिति यहाँ तक आ गई कि जंतर मंतर पर भूखे रहे ये भूखे रहे हमारे वक्त में नहीं रहे हमने 500 करोड़ रुपया अपने आखिरी बजट में दिया है ये उन्होंने देर की और सिर्फ एक वजह से देर की यही जो आप कह रही हैं कि अभी कर तुरंत कर देंगे तो होगा कि ये तो ने शुरू किया था, देर होगी तो होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने किया, किया देखें कि चाहे वो रैली हो मोदी जी की जिसको लोग कहते थे पता नहीं कितने लोग आएंगे रैली को कहीं ना कहीं अगर हम माने एक जरिया तो अच्छे लोग आ रहे हैं काफी दूसरी बात ये बिहारी प्राइड की बात स्लोगन की है वो बिहारी प्राइड और आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं शायद ये बात छूए बहुत लोगों को देखिए नीतीश जी ने बिहारी सम्मान की बात की है बिहार के लोग हैं मोदी जी ने जो जाके वहाँ जबान इस्तेमाल की मैं नहीं समझता हूँ कि इस मुल्क के किसी वजीर ने या प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो कहा डीएनए खराब है और तरह तरह की बातें ऐसी की जैसे अभी उन्होंने सवा लाख करोड़ का पैकेज ऐलान किया सच्चाई यह है कि जो ऑन गोइंग स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है जो प्रोजेक्ट चल रहा है सिर्फ उसमें नौ कुछ करोड़ है जो एक तरह से आप कह सकती हैं कि ये है बाकी सारे ऑन गोइंग स्कीम्स को उन्होंने उसमें इंक्लूड करके नरेंद्र मोदी जी के बाद कहा कहा जाता है उनके बारे में कि वो मास्टर हैं पैकेजिंग, नहीं, पैकेजिंग, नहीं, पैकेजिंग और नहीं, 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 रीपैकेजिंग और उन्होंने बिहार के लेकर उन्होंने मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ उन्होंने बिहार के लोगों के साथ अच्छा नहीं ये धोखा देने की बात है ना कि आप सवा लाख करोड़ कहते हैं और उसके अंदर से नौ करोड़ निकलता हो बाकी जो ऑन गोइंग स्कीम्स का पैसा है वो आपने उसमें शामिल करके ऐलान कर दिया बिहार के लोग हर आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं है हर आदमी होता तो, तो समझता है कि वजीर आजम ने सवा लाख करोड़ बिहार को दिया जबकि सच्चाई है कि वो नौ हजार करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है तो यकीनी तौर पे आ, आज का जो यूथ है का... आज का जो जो बिहार के लोग हैं जो बिहार को प्रोग्रेसिव देखना चाहते हैं कहीं ना कहीं इंडिया उसकी तरफ भी ध्यान दे रही है हम आगे बात करेंगे और कास्ट जो रियलिटी है उसकी भी बात करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और ये जो एक नया बिहार बना, बनाने की बात है उसकी भी बात हो रही है देखिए डेवलपमेंट हर लोग चाहता है हर जात का आदमी चाहता है हर मजहब का आदमी चाहता है सबों को नौकरी चाहिए सबों को अच्छी सड़कें चाहिए सबों को तालीम की बच्चों के लिए तालीम की सहूलत चाहिए सबों को इलाज के लिए अच्छे अस्पताल चाहिए सबों को अच्छी सड़कें चाहिए सिंचाई के लिए पानी चाहिए किसानों को वक्त पे सही खाद भी चाहिए ये सबों को चाहिए लेकिन उसके साथ साथ और भी जो मामले हैं जिससे समाज टूटता है जिससे समाज बढ़ता है जो लोग पीछे रह गए हैं हैं हम अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं कि जो आगे बढ़ा है, उसको खींच के पीछे कर दें हम अफर्मेटिव एक्शन की बात कांग्रेस के लोग या यूपीए के लोग करते हैं कि जो पीछे छूट गया है उसको सहारा दे के आगे लाके उसको भी बढ़ने ये का ये एक अच्छे मोड मोड़ पर हमें ब्रेक लेने की बारी आ गई है और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक आउट यू द क्वेस्ट ऑन टीवी वी आर राइट नाउ टू मिस्टर शकील अहमद डोंट गोवे वेरी इंटरेस्टिंग कमिंग राइट नाउ टू मिस्टर शकील अहमद फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें सोशल जस्टिस की वो सही लगता है लेकिन सोशल जस्टिस की जब पॉलिटिक्स होने लगती है तो वो सही नहीं लगता है। अगर आप देखे हम बिहार की बात कर रहे थे और कास्ट रियालिटीज की बात कर रहे थे तो फिर वही सब कुछ प्ले अप होने लगा है मांझी जी, जी जो हैं अपना अलग लेकर धड़ा चले गए हैं और वो अपने सेक्शन की बात करेंगे अब ये अलग बात है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर जो भी उनके तमाम झंझट शुरू हो गए हैं और वो शायद आगे कुछ और भी देखने में आएगा तो पप्पू यादव अलग चले गए हैं और वो कई कह रहे हैं कि आर तो सिर्फ वोट काटने के लिए वोट कटुआ जैसा शब्द उन्होंने आज इस्तेमाल किया किसी पेपर में तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये क्या एक आम आदमी इसी में उलझा रहेगा बिहार में ऐसे आगे बढ़ेगा देखिए मेरी एक शिकायत है एज ए बिहारी मैं बिहार से आता हूँ मेरी शिकायत है नेशनल मीडिया से देखिए ये कास्ट फैक्टर सिर्फ बिहार और यूपी में नहीं है ये कास्ट फैक्टर पूरे हिंदुस्तान में है कहीं कम कहीं ज़्यादा बंगाल का मैं इंचार्ज था पार्टी का बंगाल में बहुत कम है मैं कर्नाटक गया था वहाँ कास्ट की बात कर रहे थे लोग मैं और दूसरी जगहों पे जाता जाता हूँ वहाँ कास्ट की बात करते हैं कास्ट एक सच्चाई है लेकिन पता नहीं क्यों नेशनल मीडिया बिहार में कास्ट कंसिड्रेशन बहुत है यूपी में कास्ट कंसिडरेशन बहुत है इसी को जोड़ते हैं ये नहीं होना चाहिए ये बात सही है कि कास्ट एक फैक्टर है और पूरे हिंदुस्तान में है बल्कि दुनिया में मैं समझता हूँ इससे निकले ना हम और इससे नहीं हम बिल्कुल निकलें इससे बिल्कुल निकलें लेकिन उस सच्चाई को हम कारपेट के नीचे दबा देंगे तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं और सबों का इलाज है कि हम सबको तरक्की की बात करें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें किसी को जो अफर्मेटिव एक्शन की बात मैं कह रहा था वही कि कोई आगे बढ़ गया है आप आगे बढ़िए आपको भी मौाक़े हैं आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ है but we don't want to pull back someone mm. we want to give push to the people mm. who have left behind due to certain circumstances तो हम उनको चाहते हैं कि वो आगे बढ़े वो भी जीवन में आगे बढ़े उनको बराबरी का मौका मिले ये हम चाहते हैं हम किसी को पुल बैक नहीं करना चाहते हैं कि जो आगे बढ़ा है लेकिन, लेकिन इसी आप उसको अगर करना करना हैं अगर, आप, अगर आप इंडिया को और बीजेपी को कहें कि वो शायद एक ही सेक्शन को लेकर आगे बढ़ी थी तो इसी चीज को एक्सपैंड करना चाह रही है और बहुत सारे वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए आप कहते थे कि शायद अपर कास्ट का प्रतिनिधित्व करती है तो आप देखें कि दलित में भी ऐसा कुछ कम नहीं रही नहीं देखिये ना जो आप दलित ही की बात लीजिए कांग्रेस ने एफर्मेटिव एक्शन ये कब शुरू हुआ दलितों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन हुआ कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन किसके इन्फ्लुएंस में लिखा गया कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में लिखा गया इसलिए लेकिन में कुछ देखने को मिला दे, देखिए ना वोट और वोट कोई सेक्शन दे कोई सेक्शन नहीं दे हम ये नहीं कहते हैं कि हमने किया तो तुम इसके लिए हमको वोट दो हम समझते हैं कि उनका जायज़ हक था दलितों का इसलिए कि वो समाज में बहुत पीछे थे सबसे पिछली सीढ़ी पे थे और फादर ऑफ़ द नेशन महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक हम जो विकास की रोशनी है या तरक्की का, का ये है वो सबसे पिछले आदमी को समाज के नहीं पहुंचाते हैं तब तक हम अपने को स्वतंत्र कहते हैं पूरे हिम्मत के साथ हम अपने को स्वतंत्र नहीं कह सकते हैं। तो स्वाभाविक बात है इसीलिए संविधान में ये करके उनके लिए नौकरियों में आरक्षण उनके लिए टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण के उनको मौका दे ये हमने नहीं कहा कि हम आगे बढ़ने वाले किसी आदमी को पीछे के कर देंगे लेकिन जो पीछे छूट गया मैं बार बार कह रहा हूं, उसको मौका ये ये, ये 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 हमारी जिम्मेदारी है है वेलफेयर स्टेट संतोष अभी भी बना हुआ है शायद इसी असंतोष पर आपके जो विरोधी हैं वो आगे बढ़ेंगे अभी भी अगर आप देखें कि रोज बेरोजगारी की हम बात कर लें लॉ एंड ऑर्डर में चलिए कुछ काम शुरू हुआ था लेकिन अब फिलहाल जो देखा जा रहा है फिर सर्वे में कि क्राइम का ग्राफ को बहुत नीचे नहीं हुआ है और अगर आप देखें कि तमाम तरह से जो लोगों के पास अभी भी लैंड नहीं है लैंडलेस की संख्या बहुत ज़्यादा है तो तमाम जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बार आगे उभरते हुए दिखाई देंगे नहीं देखिए लैंडलेस की संख्या स्वाभाविक रूप से लैंड तो बढ़ नहीं रही है मुल्क की आबादी बढ़ रही है तो किसी की जमीन बढ़ने की नहीं है जमीन कम होने की है और वो भी जिन किसानों के पास जमीन है अभी आपने बहुत, ये आ, बहुत अच्छा ये छेड़ दिया सब्जेक्ट के, 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 अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कुछ कॉरपोरेट हाउसेस को किसानों की जमीन हथिया के उनको सस्ते दाम में देना चाहते थे राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे मोदी एंड गोर्स टू अलाउ ऑर्डिनेंस टू लैप्स रिप्रोमेट नहीं किया उसको इसलिए कि तीन तीन बार उन्होंने ऑर्डिनेंस लाए और तीन बार के बाद जब मुल्क का माहौल या इस मुल्क के किसानों ने प्रोटेस्ट किया इस मुल्क के मज़दूरों ने और किसान की ज़मीन आप सिर्फ नहीं लेते हैं कि उस पर असर क्या होता है देखिए सपोज़ कीजिए कि आपने सौ एकड़ ज़मीन एक्वायर किया बीस किसानों की पाँच पाँच एकड़ किसानों को तो कुछ पैसा भी उसके बदले में मिल जाता है लेकिन उस पर सौ मज़दूर परिवार काम करता है आप अगर जमीन ले लेते हैं एक सौ एकड़ तो आप सौ मजदूर के परिवार को अभी रोजगार छीन लेते हैं और ये कोशिश थी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ये कांग्रेस राहुल गांधी जी और अपोजिशन पार्टी ने फोर्स किया, हम फोर्स हम किया फोर्स किया उनको लालू यादव जी अब साथ आए हैं और मुश्किलों में आए लेकिन अब साथ हैं लेकिन उनकी जो सरकार की फिर अगर पीछे चले जाए तो फिर असंतोष का जो भाव है और जिस तरह के तमाम टर्म्स यूज किए गए वो आप देखें कि कहीं आपके लिए क्या वो फ़ायदा रहेगा या लाइबिलिटी रहेगी ये देखना पड़ेगा देखिए एक बात बताते हैं हम आपको यूपीए जब आई थी पहली बार तो एक हिंदुस्तानी की औसत पर कैपिटल इनकम जिसको कहते हैं हिंदी में प्रति व्यक्ति आय कहते हैं उसको वो चौबीस थी आपको जान के अच्छा लगेगा एक हिंदुस्तानी की हैसियत से कि जिस दिन हमने ऑफिस डिमिट किया है हम गए हैं 16 मई 2014 को उस दिन एक भारतीय की आमदनी प्रति व्यक्ति आए अड़सठ हज़ार रुपये से पर एन से ज़्यादा थी लगभग थ्री टाइम फोर इंक्रीज हुआ है जाहिर है उसमें बिहार का भी हिस्सा था पूरे पूरे मुल्क की ये हर हिंदुस्तानी की, की बात है किसी का कम किसी का ज़्यादा लेकिन औसत ये आमदनी थी बिहार में ये बात सही है के एक एक परसेप्शन डेवलप किया था वो परसेप्शन डेवलप किया था थोड़ा मीडिया का भी उसमें हाथ था थोड़ा कुछ बायस भी था और कुछ ये बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उतनी मुस्तैदी का इमेज पूरे मुल्क में नहीं फैला था जो लालू यादव जी की सरकार थी मैं उसमें खुद वजीर था ये बात सही है कि मैं उसकी इमेज जो थी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वो ये थी लेकिन सोशल जस्टिस के मामले में जो कॉमनल हारमोनी के मामले में आपको एक बात आपको बताते हैं ये मुल्क के लिए बहुत खतरा है मैंने इसीलिए पहले कहा मैं पिछले, भी नहीं पिछले, हूं कि पिछले एक, पिछले, नहीं पिछले, 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 पिछले एक साल में पिछले पिछले एक साल में आपको जानकर दुख होगा एक हिंदुस्तानी की हैसियत से कि इस मुल्क में कॉमनल राइट्स की की का जो संख्या है वो 25% परसेंट बढ़ा है और मरने वालों की संख्या मुल्क की बात मैं कह रहा हूँ वो मरने वालों की संख्या तो वहां बिहार में कम होने के लिए क्या हुआ पिछले मर, सालों में ये भी बात मर, रही मरने रही वालों की संख्या 65% प्रतिशत बढ़ी है इसलिए कि मुल्क का माहौल खराब हुआ है नरेंद्र मोदी जी की इनके क्लोज के जो एसोसिएट्स हैं उनकी वजह कर उनके बयान की वजह कर जो माहौल खराब करते हैं जो यंगस्टर्स हैं उनका आप जहन पॉइजन करते हैं और उनको नफ़रत फैलाने की के लिए लेकिन कोश, कोशिश ऐसे इश्यूज हैं मैं उस पर ज़्यादा इस समय नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको पॉजिटिव ही रखना चाहते हैं कुछ इश्यूज को आप देखिए कि मांझी जी को आपने जाने दिया आप गठबंधन बनाने की बात कर रहे थे शरद आपके ये मुलायम सिंह यादव जो हैं वो चल दिए अब एन का कहीं उनके साथ लेफ्ट ने ऐलान कर दिया कि अब हम भी आ जाएंगे तो ये तमाम चीजें जो आप विघटन की जो बात होने लगी उसको कैसे एड्रेस अड्रेस मैं, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये सारे जिनका आप नाम ले रहे हैं वो सब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हैं और इन सबको एक साथ रहना ऐसा चाहिए मानते, है था। हैं। हाँ, आप ये नहीं, हाँ, मानते नहीं मैं ओवैसी साहब को छोड़ के क्योंकि ओवैसी साहब हम लोगों के साथ भी नहीं थे वो अलग थे और बिहार में उनका कोई वजूद भी नहीं है कहीं एकाध दो सीट जीत गए तो जीत गए मुझको नहीं उम्मीद है उस पर भी लेकिन जो भी वोट काटेंगे वो ही कर, बाकी सब लोग एन हुई एन में तारेक अनवर साहब नेता एन का कोई बहुत बेस नहीं है एक लीडर उसके बहुत मशहूर हैं हम नहीं लोग के पार्टी में थे सीनियर लीडर हैं उनकी इज्जत है वो अच्छे अच्छे संजीद आदमी हैं और साथ में मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का भी कोई बहुत बड़ा बेस नहीं है कोई सीट भी नहीं है उनकी असेंबली में लेकिन एक चूँकि पड़ोस के आ, सूबे के हमारे हैं एक अच्छे मुल्क के मशहूर लीडर हैं तो उनके नाम पे भी कुछ वोट हो सकता था हम साथ रहते तो ये सबसे अच्छी बात थी लेकिन और वो भी जो वोट काटेंगे चाहे वो पप्पू यादव जी काटें वो जीते वो लालू यादव जी की मदद मतलब से आज भी जो उनकी एहलियाँ हैं वो कांग्रेस की एम पी हैं तो यकीनी आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव जी जो वोट अगर अलग खड़े होते हैं वो काटते हैं या मुलायम सिंह यादव जी और तारिक अनवर जी का कॉम्बिनेशन कोई वोट काटता है तो वो अलग है लेफ़्ट के बारे में मैं नहीं कहूँगा लेफ़्ट कहते तो हैं लेकिन लेफ्ट ने जो दो हज़ार नौ में किया जब वो न्यूक्लियर डील पर हमसे हार गए तो किसी तरह से हमारी सरकार नहीं बने उनको जो करना था उन्होंने किया उन्होंने बीजेपी बीजेपी वालों के साथ यूपीए है में आपके साथ, साथ न्यूक्लियर डील पे हमसे के चले गए और बीजेपी के साथ उन्होंने वोट किया पार्लियामेंट में हमारी सरकार गिराने के लिए नहीं तो इंटरेस्टिंग uh, डायमेंशन की जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप देखें कि पूरा जो एक uh, मंच सामने है उसमें तरह तरह के जो प्लेयर्स हैं उसमें यही मानना पड़ेगा कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं और जब आप पेपर उठा के देख लें तो बात यही होती है कि वेदर माइनॉरिटी में भी सब कास्ट की बात हो रही है दलित में और ई बी सी बोले एम बी सी बोले जितनी तमाम तरह की बात हो रही है अल, अलग अलग जातियों के और कॉम्बिनेशन uh, के नाम सामने आ रहे हैं उसमें बहुत डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि हम बिहार इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो सरकार सामने आए जो सरकार न सिर्फ वायदे करे बल्कि उनको पूरा करे अगर हम आपसे बात करें कि क्या आप बिहार को देना चाहेंगे कॉन्क्रीट अगर तीन बातें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या कहना चाहेंगे देखिए बहुत सीधा सीधा मामला है और ये तीनों स्टेट का सब्जेक्ट अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो क्योंकि जान माल शांति अमन के बगैर कोई विकास कोई तरक्की नहीं हो सकता है पहली प्राथमिकता होनी चाहिए लोगों के स्वास्थ्य की शिक्षा की रोज़गार की तो अगर ये बातें सही होगी तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत सी बातें हैं जो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर की हैं बहुत सी बातें हैं जिस पर अरंगा डालने की कोशिश मोदी सरकार करती है या कभी कभी इल्ज़ाम हम लोगों पर भी अगर सरकार एडवर्स है स्टेट की और और सेंटर की तो कभी कभी ये इल्ज़ाम लगते हैं लेकिन कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर की होती हैं और इन मुद्दों पर हम रोज़गार के मुद्दों पर स्वास्थ्य के मुद्दों पर शिक्षा के मुद्दों पर अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे और सबसे

जाहिर है कि लोग काम करते हैं चाहते हैं कि उनको मौका मिले वो भी इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स में आए लेकिन हमारा पहला ये है कि हम जानते हैं और कांग्रेस ने कुर्बानियाँ दी हैं कांग्रेस ने सामने देखा है मुल्क को टूटते हुए सीटों के ये ये बारे में कुछ पढ़ने में आ रहा था कि वहाँ भी बहुत समस्याएं हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी लग रही है आपके जो बिहार के कुछ और फेसेस हैं कितना विश्वास किया जाए देखिए एक बात बताते हैं कि जब भी बिहार की आज जो स्थिति है वहाँ कोई पार्टी ऐसी हालत में नहीं है कि अकेले चुनाव लड़े हम तीन पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं बीजेपी बीजेप बीजेपी पांच पार्टियों के साथ लड़ रही है और ये किसी पार्टी में ये नहीं होगा कि बिल्कुल कैंडिडेट सही हो गए और सब संतुष्ट हैं बीजेपी का अभी अभी किसी ने रिज़ाइन किया है अभी मैं आ रहा था तो दो दो दो, तीन लीडरों ने रिज़ाइन किया है जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स हैं उनमें बीजेपी में भी रिजाइनमेंट है कि कोई कह रहे हैं वो सीट उसने बेच ली और फलां की तो ये सब सियासत में चलता रहता है और ये परमानेंट फेज है ये होगा लेकिन हम लोगों ने एक ये है कि हम लोगों ने अपने कैडर की ख्वाहिश के खिलाफ हम लोगों ने कम सीट लेके क्योंकि हमारा ये है कि बिहार में हम फोर्सेस को कहते हैं नहीं कब्जा करने लेंगे नहीं होना चाहिए तो क्या उन अच्छे चेहरों को आप लाने में सक्षम हो पाएंगे जिनको आप की बात करते रहते हैं आप और आपके और भी नेता देखिए कोई अगर ये कहता है कि बिल्कुल करप्शन खत्म हो जाएगा मैं इससे बहुत मुतफिक नहीं हूं लेकिन एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर की ये ज़िम्मेदारी है या एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है या, जिम्मेदारी है या किसी भी हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन और या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से कोशिश करे कि कम से कम से कम होता जाए और एक दिन आएगा वो वक्त खुदा लाएगा अल्लाह लाएगा के के भगवान लाएगा गॉड लाएगा वाहे गुरु लाएंगे के ख़त्म हो लेकिन कम करने की कोशिश हर एडमिनिस्ट्रेटर को करनी चाहिए चलिए जबकि बहुत सारी बातें जो शायद आने वाले वक्त में भी आपसे होती रहेगी लेकिन आप जबकि प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइटल क्वेस्ट है तो अक्सर मैं पूछती हूँ इस अगर हम बिहार इलेक्शन की बात करें शकील अहमद साहब आपकी बात करें आपका अपना एक क्वेस्ट रहा है करियर रहा है आपका तो कैसे देखेंगे आपकी एक क्वेस्ट क्या होनी चाहिए बिहार की तरफ देखिए अल्टीमेटली जो पॉलिटिक्स में है उसको लोगों को सर्व करना और एक स्टेट है बिहार में प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया बीमारू स्टेट हालांकि बीमारू एक रिपोर्ट में आया था लेकिन वो था बिहार राजस्थान इस तरह करके उसका था कि के हेल्थ कै के डिस्ट्रिक्ट में हाँ, पीछे इंडिकेटर्स है। है। थे लेकिन उसको हिंदी में बीमारू कह के वो वो लेटर्स थे वो लेटेस्ट थे उसको प्राइम मिनिस्टर ने बिहार को बीमारू कह दिया हम लोगों की ख्वाहिश है कि इस इस क्वेश्चन ये रहेगा कि इस चुनाव के बाद कोई हिम्मत ना करे बिहार को बीमारू कहने का कर। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए एंड रियली थैंक यू एंड दैट यू स्पेड योर टाइम एंड केम टू अस ऑन द द्वेस्ट ऑन राजसभा टी वी बहुत बहुत, बहुत आपका भी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका राजसभा टी वी का मुझको यहाँ आमंत्रित करने के लिए इन्वाइट करने के लिए This was Shakil Ahmed talking to us, of course, on Bihar elections, but range of issues that really surround us and we are concerned about. Hope you like this particular edition of The Quest on Sabha TV. Keep watching. Namaskar and bye bye.